नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। टिफिन चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने सुनी प्रबुद्ध जन कार्यकर्ता की बात। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए बनाई रणनीति। आजमगढ़ दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। बालेश्वर ट्रेन हादसा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई हादसे की वजह। कहा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के चलते हुआ हादसा। पीडब्ल्यूडी ने यूपी के विधायकों को दी बड़ी सौगात। अब सड़क बनवाने के लिए मिलेगा अलग से बजट। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। कई पीसीएस अफसरों के हुए तबादले। खबर गोरखपुर से आपको बता रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। खबर गोरखपुर से इस वक्त की बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक को संबोधित किया। टिफिन पर चर्चा, 2024 मंथन, देश दुनिया में भारत का बड़ा सम्मान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक के दौरान कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 15 नए एम्स बन रहे हैं। गोरखपुर में विकास कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं, तो देश दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। 15 नए एम्स बन रहे हैं। इसके साथ ही गोरखपुर में तेज गति से विकास के कार्य हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान अपने संबोधन में ये तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। आपको बता दें कि गोरखपुर में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने इस बैठक को संबोधित किया। तो टिफिन पर चर्चा इस कार्यक्रम में 2024 पर मंथन किया गया। 2024 को फतेह करने को लेकर के रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश दुनिया में भारत का सम्मान इन दिनों बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ा है। इसके साथ ही 15 नए एम्स पर जानकारी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 नए एम्स बनने की भी जानकारी दी। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। तो वहीं साथ में विकास कार्यों को लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर में विकास कार्य तेजी के साथ किए जा रहे हैं, यानी कि इन विकास कार्यों में अब गति देखी जा रही है। तेजी के साथ ये विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ आपको बता दें कि बैठक की गई। टिफिन पर चर्चा के कार्यक्रम रहा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने इस बैठक को संबोधित भी किया। तो टिफिन पर चर्चा के कार्यक्रम जिसमें 2024 पर मंथन किया गया, किस तरीके से 2024 को फतेह करना है, क्या कुछ रणनीति की जरूरत है, यानी कि बीजेपी किस स्ट्रैटेजी के साथ 2024 को फतेह करने की तैयारी में जुट रही है, इसको लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई। क्या कुछ जरूरत है, किस तरीके से आगे की जंग को फतेह करना है, इस पर इस बैठक में चर्चा हुई। महानगर अध्यक्ष से राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, गोरखपुर महानगर के सभी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, 9 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के प्रति हृदय से बधाई देते हुए मैं आप सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। जब हम अपनी बात को और अपनी उपलब्धियों को स्वयं गिनाते हैं, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। जब हमारे महत्व को और हमारी उपलब्धियों को दुनिया सम्मान देने लगती है, तो
पे सम्मान वास्तविक सम्मान होता है। ।2014 के पहले के भारत और 2014 के बाद के भारत का अंतर आज बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई देता है। तो वही अब खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। यूपी में विधायकों को बड़ी सौगात दी गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने विधायकों को ये बड़ा तोहफा दिया है जिसके तहत अब अपने क्षेत्र में सड़कें बनवा सकेंगे विधायक। आपको बता दें कि विधायक निधि के अतिरिक्त सड़कों को बनवा सकेंगे। 7 करोड़ तक की सड़क को बनवाने का अधिकार विधायकों को दिया गया है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने विधायकों को ये बड़ा तोहफा दिया है। अपने क्षेत्र में सड़कें बनवा सकेंगे विधायक। विधायक निधि के अतिरिक्त सड़कों का निर्माण कराया जा सकेगा। 7 करोड़ तक की सड़क को बनवाने का अधिकार विधायकों को दिया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी में विधायकों को बड़ी सौगात मिली है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने विधायकों को ये बड़ा तोहफा दिया है। अपने क्षेत्र में सड़कें बनवा सकेंगे विधायक। आपको बता दें कि विधायक निधि के अतिरिक्त भी सड़कों का निर्माण करने का अधिकार विधायकों को दिया गया है। 7 करोड़ तक की सड़क बनवाने का अधिकार विधायक को दिया गया है। तो खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग ने विधायकों को यह अधिकार दिया है। बड़े तोहफे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। खबर अब हापुड़ से आपको बता रहे हैं, जहां ब्रिज घाट में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि ब्रिज घाट में श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुबह से गंगा स्नान किया जा रहा है और गंगा स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। NH9 की रफ्तार थम गई। इस बीच कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा। तो खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से। हापुड़ के ब्रज घाट में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुबह से गंगा स्नान की प्रक्रिया जारी है। गंगा स्नान के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा घाटों का रुख कर रहे हैं। गंगा स्नान को लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आपको बता दें कि NH9 की रफ्तार इस बीच धीमी देखी गई। कई किलोमीटर का लंबा जाम देखा गया। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है आज। सुबह से ही गंगा स्नान के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस बीच NH9 की रफ्तार थम सी गई। लंबा जाम यहां पर देखा गया। जालौन से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स की क्लास लगा दी। भविष्य में अपराध ना करने की शपथ भी दिलाई। खबर इस वक्त की जालौन से आपको बता रहे हैं, पुलिस ने लगाई हिस्ट्री शीटर्स की क्लास। भविष्य में अपराध ना करने की दिलाई शपथ। 62 में 51 हिस्ट्री शीटर्स का चाल चलन अच्छा पाया गया है। SP ने हिस्ट्री शीटर्स पर नजर रखने का आदेश भी दिया है। तो खबर जालौन से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स की क्लास लगाई। भविष्य में अपराध ना करने की उनको शपथ दिलाई गई। बता दें कि 62 में से 51 हिस्ट्री शीटर्स का चाल चलन ठीक पाया गया, अच्छा मिला। तो वहीं SP ने हिस्ट्री शीटर्स पर नजर रखने के भी आदेश दिए हैं। तो खबर जालौन से आपको बता रहे हैं, पुलिस ने लगाई हिस्ट्री शीटर्स की क्लास। इसके साथ ही भविष्य में अपराध ना करने की दिलाई शपथ।
तो वहीं साथ ही बता दें कि 62 में से 51 हिस्ट्री शीटर्स का चाल चलन अच्छा पाया गया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिव्यांशु पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, क्या कुछ जानकारी देंगे इस खबर पर आप हमें? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज राजा ने जिस तरीके से हिस्ट्री शीटर आरोपियों को पास बुलाकर उनको नसीहत दी गई और उनका चाल चलन भी पाया गया है। बिल्कुल, देखिए इनमें से जो चाल चलन अच्छा पाया गया है, निगरानी रखने की बात कही जा रही है, किस तरीके से नजर रखने की बात कही जा रही है, आगे को लेकर क्या तैयारी? जिस तरीके से मैं बता दूं, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरेश राजा ने सभी थाने वाले अध्यक्षों को बुलाया और 62 हिस्ट्री शीटर में से 51 हिस्ट्री शीटर ऐसे थे जिनका चाल चलन सही पाया गया और आगे भी उनको नसीहत दी गई कि जिस अगर चाल चलन ठीक रहा तो कानूनी कार्रवाई से बचे रहेंगे वो। शुक्रिया दिव्यांशु जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं जालौन से। आपको बता दें कि जालौन में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स की क्लास लगाई। इतना ही नहीं, उन्हें आगे अपराध ना करने की यानी कि भविष्य में अपराध ना करने की शपथ भी दिलाई गई। इनमें से 62 में से 51 हिस्ट्री शीटर्स का हालांकि चाल चलन ठीक पाया गया, संतोषजनक पाया गया, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि एसपी ने इन हिस्ट्री शीटर्स पर नजर रखने के भी आदेश दिए हैं। खबर फरखाबाद से आपको बता दें जहां अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई। खबर फरखाबाद से बता रहे हैं, अस्पताल में प्रसूता की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तो खबर फरखाबाद से आपको बता रहे हैं, अस्पताल में प्रसूता की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। प्रसूता की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बता दें कि मामले में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। तो खबर आपको बता रहे हैं फरखाबाद से। फरखाबाद में अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मौत की वजह अस्पताल प्रशासन की लापरवाही बताया जा रहा है और इसके चलते परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बता दें कि परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। खबर फरखाबाद से आपको बता रहे हैं, अस्पताल में प्रसूता की मौत पर बवाल, परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। लापरवाही इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो जमकर हंगामा हुआ, खबर फरखाबाद से आपको बता रहे हैं, अस्पताल में प्रसूता की मौत पर जमकर हंगामा हुआ, परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि परिजनों ने इसके पीछे की वजह अस्पताल प्रशासन की लापरवाही बताई है। तो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत हो गई है, जिसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। तो परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। खबर फरखाबाद से आपको बता रहे हैं, तो अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। खबर मैनपुरी से, दलित परिवार का धरना जारी है। मैनपुरी का मामला आपको बता रहे हैं जहां एक दलित परिवार का धरना जारी है। 4 दिन से ये परिवार धरने पर बैठा है। जमीन पर कब्जा होने से ये परिवार आहत बताया जा रहा है। बीजेपी के करीबी नेता पर कब्जे का आरोप लग रहा है और प्रशासन पर भी कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो मामला मैनपुरी का आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि दलित परिवार का धरना लगातार जारी है। 4 दिन से एक परिवार धरने पर बैठा हुआ है। बता दें कि ये दलित परिवार जो कि 4 दिन से धरने पर बैठा है, बताया ये भी जा रहा है कि जमीन पर कब्जा होने से आहत है ये दलित परिवार। बीजेपी नेता के करीबी पर कब्जे का आरोप है। प्रशासन पर लग रहा है लापरवाही का आरोप, कार्रवाई ना करने का आरोप। तो खबर मैनपुरी से आपको बता रहे हैं, दलित परिवार का धरना जारी। 4 दिन से धरने पर बैठा है दलित परिवार।
तो ये दलित परिवार जो कि धरने पर बैठा हुआ है, आपको बता दें कि परिवार जमीन पर कब्जा होने से आहत बताया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस पर कार्रवाई ना करने का भी आरोप इस परिवार की ओर से लगाया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी नेता के करीबी पर कब्जा करने का आरोप है और जमीन पर कब्जा होने से आहत है ये दलित परिवार। चार दिन से धरने पर ये दलित परिवार बैठा हुआ है। खबर बैनपुरी से आपको बता रहे हैं, तो मामला बैनपुरी का, जहां एक दलित परिवार का धरना जारी है। चार दिन से दलित परिवार धरने पर बैठा हुआ है, जमीन पर कब्जे को लेकर ये परिवार आहत है और वहीं प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का लगा रहा है आरोप। और अब खबर औरैया से है, जहां बीमार लड़की को डॉक्टर से इलाज कराकर घर वापस आ रहे ऑटो में गलत दिशा में से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। वहीं दो महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कुल तीन मौत और चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी अजीतमल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। ये वाली घटना एक्सीडेंट की रात की है। कल हम लोग मौके पर गए थे तो ये जांच में पता चला कि मुरादगंज से एक ऑटो है यूपी 79AT1452 82 1482 ऑटो अपने कुछ अपने गांव के ही सवारी को बैठा के ले आ रहा था। उनकी कोई महिला अपने बीमार थी जिसको मुरादगंज से इलाज करा के ले जा रहा था, जिसमें 8-9 सवारियाँ बैठी थी। दूसरी साइड से ऊँचा साइड से एक गाड़ी थी यूपी 75B6692113 6913 नंबर के ट्रैक्टर था। उसको दोनों का आपस में टक्कर हुई। टक्कर लगने पर रामू सनाफ राम कुमार को, कुंवर सिंह सनाफ एवरा और श्रीमती कल्लो पत्नी जनक सिंह और सोनबेरी वाइफ ऑफ अर्जुन सिंह, ये लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। खबर फरखाबाद के मऊ दरवाजा के गांव बेनी नगला का है, जहां बीते दिन घर से गए हुए युवक का शव खेत में पड़ा मिला। खबर मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने मामले में हत्या का आरोप लगाया है। ये थाना मऊ दरवाजा के क्षेत्र में बेनी नगला है। वहाँ पे एक विपिन बाल नाम का युवक है, करीब होगी 30 वर्ष। वो अपने घर से कल सुबह करीब 10-11 बजे के आसपास दिल्ली जाने के लिए घर से निकला था और वो क्योंकि घर वालों को ही बताया दिल्ली गया तो घर वाले अस्वस्थ थे। आज सुबह करीब 10 बजे उसके जो पिताजी हैं वो अपने खेत पर आए, जहाँ पर वो अपना चारा वगैरह काटने के लिए। उन्होंने देखा कि उनके जो बेटे की जो बॉडी है वो जो सिंचाई के लिए नाली होती है सूखी, उसमें पड़ी हुई है। उसकी सूचना उन्होंने थाना पुलिस को दी। थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम भी आ गई है। संभवतः किसी के द्वारा उसकी हत्या की गई है, जिसके लिए जो अभी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर हम FIR करके और हमारे जो सर्विलांस और SOG की टीम है वो भी इस पूरे प्रकरण को अनावरण के लिए लगाई गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, बदायूं जिले में एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुछ महीने पहले चूहा कांड को लेकर सुर्खियों में रहा बदायूं, अब इस बार फीमेल डॉग को लेकर सुर्खियों में है। फीमेल डॉग की गाड़ी से कुचलकर हुई मौत के मामले में ये मामला सामने आया है। पुलिस ने गाड़ी से कुचलकर हुई एक फीमेल डॉग की मौत के मामले में FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सुबह एक मामला वायरल
फुटेज में दिख रहा था कि एक कुत्ता जो सड़क किनारे सो रहा था, कार चालक ने उस पर कार को इंटेंशनली चढ़ा दिया। कुत्ता थोड़ी देर तड़पता है और उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। इस घटना को लेकर मैंने सिविल लाइन इंस्पेक्टर मिस्टर गौरव विश्नोई जी से बात की और उनको लिखित में तहरीर दी। तत्काल उन्होंने कार्रवाई के लिए चौकी इंचार्ज महकू हलवाई को निर्देशित किया। उसके बाद उस कुत्ते का पोस्टमार्टम भी कराया गया, जिसमें पशु चिकित्सक संजीव जी और फार्मासिस्ट श्री मुवीन जी दोनों लोग आए, दोनों ने कुत्ते को देखा और पोस्टमार्टम के दौरान ही उन्होंने ये भी बताया कि इसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, जिस वजह से इसकी डेथ हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU, कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। लंदन ब्रिज फन फेयर आते ही लंदन जैसी फीलिंग मन में आ जाए। लंदन ब्रिज फन फेयर आते ही कानपुर के लोगों को राजस्थानी चाट, मुंबई की भेल पूरी, गुजरात का चना जोर गरम, मेरठ की चाट और गोवा का शेक एक ही जगह खाने पीने को मिलेगा। कानपुर में सिर्फ एक ऐसी जगह है, मोती झील का फन फेयर मेला, जहां पर बच्चों के लिए है भरपूर मनोरंजन के साधन। वो चाहे जॉइंट व्हील झूला हो या फिर कोलंबस झूला, ब्रेक डांस झूला हो या फिर मून स्टार झूला, यही नहीं न्यू रोलर कोस्टर है रोमांच के शौकीनों की पहली पसंद। भूत बंगला, डायनासोर शो, हंसी घर और चार्ली चैपलिन शो भी मेले में लगा रहे हैं चार चांद। तो परिवार संग आइए, जहां पर बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं के लिए सभी कुछ है। तो लंदन ब्रिज फन फेयर आइए, भरपूर मजा पाइए।